लेकिन फाइनली 3 दिनों के बाद शाम में एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पेमेंट जो आया था, दोस्तों एक कमेंट आया है कि सर आपने चैनल कब स्टार्ट किया था, आपकी फर्स्ट पेमेंट कितनी और कब आई थी, कितने टाइम लगे थे पेमेंट रिसीव करने में और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ें प्लीज़ हमें डिटेल में बताएं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना चैनल 20 अप्रैल 2017 में स्टार्ट किया था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, तभी चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तब चैनल जो है वो रिव्यू में जाता है, यानी यूट्यूब जो है वो ये चेक करता है कि आपने कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं यूज किया है। अगर सब चीज ठीक रहा तभी चैनल अप्रूव होती है, अदरवाइज उसी वक्त चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल कर दिया जाता है। हालांकि कई लोगों का हुआ भी है, लेकिन अल्लाह के करम से मेरा जो चैनल है वो 15 फरवरी 2018 को मोनेटाइज हुआ था। उस दिन मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा खुश था कि मैं खुशी के मारे डांस करने लगा था। उससे दिन का एक छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करता हूं, तो ये देखिए। खैर, मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया और मेरे एडसेंस अकाउंट में $10 भी जमा हो गए और YouTube का क्राइटेरिया है कि $10 जमा होने के बाद उस बंदे की वेरिफिकेशन होती है जो चैनल का ऑनर होता है, यानी मैं अपने चैनल का ऑनर था, इनफैक्ट अभी हूँ भी, तो मेरी वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन कैसे होती है पहले ये जान लेते हैं। उस टाइम मैं पटना गया था रैली में, वो भी पैदल, मुजफ्फरपुर टू पटना। चलते चलते हालत ख़राब हो गया था, पैर में छाले पड़ गए थे और बीच बीच में मैं मोबाइल चेक किया करता था कि कहीं किसी का कॉल या मैसेज तो नहीं आया है। और अचानक से एक मेल आया जिसे पढ़कर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा कि मेरे पैर में जो छाले थे उसका दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। अब आप सोचेंगे कि आखिर उस मेल में क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि उस मेल में ये लिखा था कि आपके एडसेंस अकाउंट में $10 जमा हो गए हैं, तो पिन वेरिफिकेशन के लिए अपना पूरा एड्रेस डालें और अपना एड्रेस प्रूफ जो है उसको स्कैन करके अपलोड करें। तो मैं फिर इधर उधर देखने लगा, यानी दुकान ढूंढने लगा, तो मुझे एक सेकेंड फ्लोर पे फोटोशॉप की एक दुकान दिखी, तो मैं जल्दी से जाके डॉक्यूमेंट स्कैन करवाया और फिर अपलोड किया। और कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से कुछ दिन पहले मैं किसी का हेल्प करने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था, तो काम होने के बाद मैंने नंबर ले लिया ताकि मैं किसी और का भी हेल्प कर सकूं। लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे खुद पड़ गई, क्योंकि गूगल से जो लेटर आता है वो पोस्टमैन के ज़रिए ही आता है और जैसा कि आपको पता है कि पोस्टमैन जो है वो चेंज होते रहते हैं, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और ठीक वही हुआ। तो फिर मैंने कॉल किया और करंट में जो पोस्टमैन था उनका नंबर मांगा, फिर उन्हें कॉल करके पूछा कि टेक्निकल मेहताब नाम से गूगल की तरफ से कोई लेटर आया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं आया। तो फिर एक दो दिन बीच करके मैं कॉल किया करता था, वो बोलते थे कि नहीं आया है। तो फिर मैंने एक दिन कॉल किया और बोला कि गूगल की तरफ से आपके पास कितने लेटर हैं, तो बोले कि मेरे पास 2-3 है। मैंने बोला कि मेरे रूट से है क्या, तो बोले कि आपके रूट से है लेकिन आपके नाम से नहीं है। वो बोले थे कि MA, मैंने बोला कि MA इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि हाँ। फिर मैं कन्फ्यूज हो गया कि मेरा तो टेक्निकल मेहताब नाम से आना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, गलती से जो मेरा जो पहले वाला चैनल था वही नाम रह गया है एडसेंस पे, इसकी वजह से MA इंग्लिश इंस्टीट्यूशन शो कर रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ वही मेरा है, आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी घर पे हूँ। तो मैंने बोला कि आप वहीं पे रहिए, मैं आ रहा हूँ। फिर वहीं पे गया उनके घर पे, फिर जब लेटर लिया तो उस टाइम बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मैंने उन्हें पैसे दिए, वो पैसे नहीं ले रहे थे और बोल रहे थे कि आप खुद मेरे पास आए हैं लेने, अगर मैं आपके घर पे जाके देता तो एक बात होती, लेकिन मैंने बोला कि अरे प्यार से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, आप रख लीजिए। उसके बाद मैं बहुत खुशी खुशी घर आ गया और मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि मैं खूब उछल कूद रहा था। और मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो बोले थे कि इतना खुश हो रहा है, ऐसा ऐसे खुश हो रहा है जैसे पैसा आया है। सच कहूँ तो पैसे से भी कई गुना ज़्यादा खुशी थी। ये लेटर आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये लेटर गूगल एडसेंस लिखा हुआ है जो कि गूगल की तरफ से है। देखिए इसी में पिन होता है 6 डिजिट का, ये देखिए, यही पिन डालकर वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई होने के बाद एक थ्रेशोल्ड होता है $100 का, यानी $100 एडसेंस में होने के बाद ही YouTube जो है पैसे भेजता है। लेकिन मेरा जो है थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया था लेकिन पैसे नहीं आए,
मैं सोचा ये क्या हो गया भाई, लेकिन दो तीन दिन बाद एक मेल आया कि YouTube ने आपको पैसे भेज दिए हैं। उस टाइम रमजान का महीना था तो मैं रोजे की हालत में था। मैं रोजा रहकर बैंक गया, यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर ऑटो लिया, फिर वहां से 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर, यानी जाना 3 किलोमीटर और फिर आना 3 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर। बैंक गया, बैंक पहुंचा तो वहां बात की तो बोले कि पैसा नहीं आया। फिर एक दिन बीच करके गया, मतलब ऐसे करके मैं 4 बार गया था। और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि रोजा रहकर उतनी कड़ी धूप में जाना, वो भी पैदल 6 किलोमीटर, काफी टफ बात है। बट मेरे लिए ये मैंने नहीं रखता। लेकिन फाइनली 3 दिनों के बाद शाम में एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उस टाइम मेरा फर्स्ट पेमेंट 27/5/2019 को आया। मुझे पता है कि आप जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पेमेंट जो आया था वो था 11,436 रुपये। पेमेंट जो है वो आने में काफी टाइम लग रहा था, काफी डिले हो रहा था, इसलिए मैंने एक संकल्प लिया था, मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि जब तक मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगा तब तक मैं अपनी ये दाढ़ी ट्रिम नहीं करूंगा। तो ये देखिए कितनी बढ़ गई है दाढ़ी। खैर अब सवाल ये है कि मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट का क्या किया। तो सबसे पहले मैंने फातिहा किया, उसके बाद अपने अब्बू को चेक दिया, ये देखिए। उसके बाद सब लोगों को मिठाइयाँ खिलाई, लोग काफी खुश हुए। तो ये जर्नी थी चैनल स्टार्ट करने से लेकर फर्स्ट पेमेंट आने तक की। इससे आगे की बड़ी कमाल की जर्नी है, वक्त मिले तो जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सके। आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।